हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन करके हम मेटाफिजिकल पॉइंट है उनको एक एक को डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने मेटाफिजिकल पॉइंट्स था उनका इंट्रोडक्शन किया था कि कौन कौन पॉइंट है वो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पॉइंट्स में इंक्लूड है, ठीक है, उनकी फीचर्स क्या थी, ये मेटाफिजिकल स्कूल जो ड्रीम है इसको किसने क्वाइन किया, लेटर इसको यूज किसने किया। तो जो भी इंट्रोडक्शन था उसको डिटेल में किया था, क्योंकि कई बार आता है एग्जाम में कि ये ट्रिम है, मेटाफिजिक्स वर्ड है, वो किसने क्वाइन किया। सो यू नो यू रिमेम्बर द वर्ड मेटाफिजिक्स ओनली वर्ड है वो क्वाइन किया था विलियम ड्रमोंड ने, लेटर इसका यूज किया था जॉन ड्राइडन ने, और मेटाफिजिकल स्कूल्स है वो ये जो फ्रेज था ये वर्ड यूज किया था डॉक्टर जॉनसन ने। ओके सो ये सब आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सो लास्ट हमने इसको डिटेल में किया था, अगर आपने वो लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए। सो टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट राइटर एंड्रयू मार्वल, ठीक है। तो एंड्रयू मार्वल को करते हैं हम फर्स्ट जो मेटाफिजिकल पॉइंट है। एंड्रयू मार्वल, सो एंड्रयू मार्वल है ही बिलोंग्स टू द मेटाफिजिकल स्कूल्स ऑफ पॉइंट्स में है, और इसका जो टाइम पीरियड है 1621 टू 1678। ओके सो मेटाफिजिकल स्कूल्स में जो एंड्रयू मार्वल है इसकी एक पोइम है जो बहुत ज्यादा फेमस है, जिसके लिए एंड्रयू मार्वल है वो जाने जाते हैं, और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है टू हिज कोई मिस्टर्स, टू हिज कोई मिस्टर्स, टू हिज कोई मिस्टर्स, ये पोइम है दैट वॉज पब्लिश्ड इन 1681 में पब्लिश हुई थी पोइम। सो ये पोइम है वो कार्प डिम पोइम है, ये आपको याद रखना है। मैं आपको बताती हूँ उसका मीनिंग, कार्प डिम क्या होता है। कार्प डिम देखो, एक बार एग्जाम में नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, कि मैं आपको साथ साथ क्लियर कर देती हूँ कि कैसे क्वेश्चन है वो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं वर्क से, ठीक है। तो एक बार कार्प डिम का मीनिंग पूछा गया है, एक बार में भी, एक बार स्टेट के एग्जाम में भी पूछा था, नेट में तो डेफिनेटली एक बार पूछा था, तो नेट में पूछा था कि कार्प डिम का मीनिंग क्या है, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्प डिम। ओके सो कार्प डिम का मीनिंग है सीज द डे, सीज द डे, या वी कैन से इंजॉय द डे। ओके इंजॉय द डे, ठीक है। जब हम कंप्लीटली पूरी तरह से किसी एक दिन को हम कंप्लीटली उसको इंजॉय करते हैं, या जी भर के किसी दिन को हम जीतते हैं ना, तो उस दिन के लिए, उस डे के लिए ये वर्ड यूज हुआ है कार्प डिम। ओके सो ये जो पोएट्री है टू हिज कोई मिस्टर्स जो एंड्रयू मार्वल है उसने एक ही दिन में लिखी है, ठीक है। सो ये पोइम है, ये कार्प डिम पोइम है। इस पोइम की जो ओपनिंग लाइन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मैं आपको एक बार ओपनिंग लाइन देख के बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैड वी बट वर्ड इनफ, हैड वी बट वर्ड इनफ, जस्ट मिनट, हैड वी बट वर्ड इनफ, यहां लग देती हूँ, हैड वी बट वर्ड वर्ड इनफ एंड टाइम, एंड टाइम, ओके जस्ट वन मिनट, दिस कोइनस लेडी वर नो क्राइम, दिस कोइनस This coinless lady were no crime. Okay, so this is the opening line of the poem, and ये बहुत ज्यादा important है, आपको याद रखनी है। So सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो poem है, कोई का मतलब होता है शर्माना, ठीक है, शर्माना। तो यहाँ जो speaker है, इस poem का जो speaker है, he is addressing his beloved, वो अपनी जो प्रेमिका है उसको address कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो प्रेमिका है वो काफी शर्मीली है। जो जो स्पीकर है सी इज यू नो वांट ही वांट्स द रिस्पांस ऑफ हिज फिजिकल यू नो जो उसकी जो एक्टिविटीज है, जो पॉइंट है वो उसको रिस्पोंड कर रहा है, क्योंकि जो पॉइंट है वो उसको बार बार जो पॉइंट है ही वांट्स टू यू नो लव हिम, ही वांट्स टू लव बोथ फिजिकली एंड मेंटली, बोथ लव है वो उससे चाहता है। बट जो उसकी मिस्टर्स है सी इज वेरी कोई,
वो काफी शर्मीली है एंड ही सी डज नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स. वो पोइट है उसको कोई जो स्पीकर है उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है कि मतलब जो जो स्पीकर है वो उससे रिस्पॉन्स चाह रहा है. उसकी जो फिजिकल एडवांसेज है जो स्पीकर है उसकी जो फिजिकल एडवांसेज है उसका जो फिजिकल लव है ही वॉन्ट्स उसके बदले में वो उससे रिस्पॉन्स चाह रहा है कि वो भी कुछ उससे रिस्पॉन्स करे. बट जो उसकी बिलव्ड है सी इज वेरी कोय एंड ही सी डज नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स सी डज नॉट से एनी वर्ड. ओके सो जो स्पीकर है वो कह रहा है कि हैड वी बट वर्ड इनफ एंड टाइम दिस कोइनस रेडी वर नो क्राइम. वो कह रहा है कि ये कोइनस है वो कोई क्राइम नहीं है. बट क्या है वो एड्रेस कर रहा है कि अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करती है देन हाउ दे बोथ गेट मैरिड. वो दोनों शादी कैसे करेंगे. एंड ही इज ऑल्सो सेइंग दैट द टाइम है दैट इज गोइंग वेरी फास्टली. जो टाइम है वो काफी फास्ट है वो स्पेंड हो रहा है जा रहा है. एंड इफ दे कुड नॉट यू नो इंजॉय अगर उसने लाइफ को इंजॉय नहीं किया इफ सी कुड नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स अगर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया अगर उसने लाइफ नहीं जिया देन दे विल बी यू नो रिग्रेट. तो रिग्रेट करेंगे लास्ट में वो. तो ये कह रहा है कि जो टाइम का घोड़ा है वो फास्टली दौड़ रहा है टाइम है वो फास्टली पास हो रहा है लेकिन उसकी बिलव्ड है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है. सी इज वेरी स्लो टू गिव द रिस्पॉन्स टू सेइंग एनी वर्ड. एंड वो जो पोइट है जो स्पीकर है वो उसको इंजॉय करना चाह रहा है वो उसकी लाइफ है उससे. वो कह रहा है कि अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करती तो वो दोनों शादी कैसे करेंगे उसकी लाइफ है उसकी लाइफ में वो आगे कैसे बढ़ेंगे. तो ये सब उसकी लाइक ही इज कंप्लेनिंग टू हिज बिलव्ड. वो एक बिलव्ड अपनी जो उसकी प्रेमिका है उससे सिर्फ कंप्लेन कर रहा है. ठीक है तो ये उसकी मतलब पोइम है ये उसके बारे में है. ठीक है मैं आपको बता देती हूँ बाकी डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है ओपनिंग लाइन है इसकी वो आपको ध्यान में रखनी है. ओपनिंग लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसकी लास्ट लाइन है वो भी मैं करवा देती हूँ मैं भी देख यू नो आस्क यू. तो लास्ट लाइन मैं आपको बताती हूँ दैट दो वी कांट मेक आवर दैट दो वी कांट मेक आवर सन स्टेड स्टिल सन stand still yet we will make his run yet we will make his run. इसका मतलब समझे बहुत इजी. मेक हिज रन कह रहा है कि अगर तुम रिस्पॉन्स नहीं देती हो ओके तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे रिस्पॉन्स के साथ जो सन है जो कंटिन्यू हर सुबह उग रहा है हर शाम को मतलब सेट्स हो रहा है अपने डायरेक्शन में वो ये काम करना छोड़ देगा. ओके उसका काम है वो कंटिन्यूसली वो डेज है जो दिन है दे आर कंटिन्यूसली पास्ट वो कंटिन्यूसली पास होते जाएंगे. ठीक है वो नहीं रुकते मतलब सन है वो उगना राइज होना और वे सेट्स होना बंद नहीं होगा तुम्हारे साथ. ठीक है तो हम उसको कंटिन्यूसली उसका जो काम है वो करने दे. और मैं चाहता हूँ कि यू गिव मी रिस्पॉन्स मतलब वेरी इमीडिएटली आप मुझे रिस्पॉन्स करो. ठीक है तो टाइम है वो क्या हो रहा है टाइम बहुत ही जल्दी दौड़ता जा रहा है. ठीक है तो लास्ट लाइन ये है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप एक बार इसकी ओपनिंग और लास्ट लाइन देख लीजिए क्योंकि ओपनिंग लाइन है वो एक बार गेट के पेपर में है ना ओपनिंग लाइन इसकी पूछी गई थी कि इसकी ओपनिंग लाइन देके पूछा गया कि दिस लाइन बिलोंग्स टू विच पोएम. ठीक है वहां पोएम का नाम दिया गया था. अब इसकी ये पोइम है वो आपको थोड़ा सा ऐसे मैंने किया है डिटेल में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक कार्प डीप पोइम है. ठीक है इसी पोइम के लिए एंड्रयू मार्बल है वो जाने जाते हैं. लास्ट में इसकी दो पोइम है उसका सिर्फ आपको नाम ध्यान में रखना है डीप में नहीं पढ़ना सिर्फ टाइटल याद रखना है. एक है द गार्डन. ठीक है ये पोइम है एंड सेकंड है सोल एंड बॉडी. देखो ये सोल एंड बॉडी है इसमें एक बार पूछा गया था ये भी एक पोइम है एंड्रयू मार्बल की. तो इसमें पूछा गया था कि ये जो पोइम है सोल एंड बॉडी इसमें फर्स्ट वर्ड इसका क्या है मतलब फर्स्ट वर्ड क्या है तो फर्स्ट वर्ड होगा सोल. ठीक है नहीं कंफ्यूज हो गया ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है नेट में. ठीक है तो ये था यहाँ इस पोइम में कवि ने
लास्ट क्वेश्चन और देखिए, आरएस कवि ने पोइम ने गंगा और हैमर, एक बार क्वेश्चन आया है क्योंकि ये पोइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसने दो पोइम है जो रिवर है उसका डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ, एक बार नेट के एग्जाम में आया हुआ था कि विच टू पोइम्स डिस्क्रिप्शन इज गिवन बाय एंड्रयू वार्मर इन हिज पोएट्री टू हिज कोएमिस्टर्स, तो इसमें कौन सी रिवर्स है, एक तो गंगा है गंगे एंड दूसरी है हैमर, ठीक है हैमर करके है एक रिवर, जस्ट वन मिनट मैं देख लेती हूँ एक बार, गंगा एंड हम्बर है, नोट हैमर हम्बर, ओके सो ये दो रिवर्स है जिनका डिस्क्रिप्शन जिनका वर्णन इन्होंने इस पोइम में किया है, ठीक है, और पोइट्स है उन्होंने अपना लव है उसको कंपैरिजन किया है वेजिटेबल से सब्जी से, ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है। सो यही था इसका एंड्रयू मार्मर, उसका इससे ज्यादा कभी नहीं आया एग्जाम में, ये जो इसकी पोइम है टू इज पोइम मिस्टर्स इसको तो आप कभी नहीं बोलना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके सो दैट्स ऑल अबाउट एंड्रयू मार्मर, ओके।